सबसे पहले फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल या प्रथम बौद्ध महासंकीति? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल या प्रथम बौद्ध महासंकीति जिसका आयोजन करवाया गया 483 ईसा पूर्व में, उसी वर्ष जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसका आयोजन करवाया गया, प्लेस वॉज राजगृही। इसका आयोजन राजगृही में करवाया गया एंड द रूलर हु ऑर्गेनाइज्ड दैट काउंसिल वॉज अजात शत्रु। इसका आयोजन अजात शत्रु के द्वारा करवाया गया और हम सब जानते हैं ही वॉज द रूलर ऑफ हरियंका डायनेस्टी, ये हरियक वंश का राजा था। इसकी अध्यक्षता एक बौद्ध भिक्षुक ने की थी जिनका नाम था महाकश्यप। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप नाम के बौद्ध भिक्षुक के द्वारा की गई थी। और इसमें क्या काम हुआ, ध्यान रखेंगे, बौद्ध धर्म में दो पिटक जोड़े गए। बौद्ध ग्रंथों को ही क्या कहा जाता है, पिटक कहा जाता है। बौद्ध धर्म में दो ग्रंथ ऐड किए गए, दो पिटक जोड़े गए जो कहलाते थे सुत्त पिटक और दूसरा विनय पिटक। सुत्त पिटक और विनय पिटक। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, सुत्त पिटक में थी टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध की शिक्षाएं, और विनय पिटक में थे रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट यूनियन या बौद्ध संघ के नियम। सुत्त पिटक का रचनाकार आनंद को माना जाता है और विनय पिटक की रचना की थी किसने, उपाली ने। और इन्हीं दो पिटकों से, इन्हीं दो ग्रंथों से फॉलो किया जाने लगा किसको, बुद्धिज्म को या बौद्ध धर्म को। इसके बाद ध्यान रखेंगे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल या द्वितीय बौद्ध महासंगीति जिसका आयोजन ठीक 100 वर्ष के बाद करवाया गया, दैट इज 383 बीसी 383 ईसा पूर्व। प्लेस वॉज वैशाली। इसका आयोजन करवाया गया वैशाली में। द रूलर हु ऑर्गेनाइज्ड दैट वॉज कालाशोक। इसका आयोजन कालाशोक के द्वारा करवाया गया और ध्यान रखेंगे जो किस वंश का था, ही वॉज द रूलर ऑफ शिशु नाग डायनेस्टी, ये शिशु नाग वंश का राजा था। इसकी अध्यक्षता साबक मीर या सर्वकामिनी के द्वारा की गई। और क्या कार्य इसमें हुआ, ध्यान रखेंगे बौद्ध धर्म के जो फॉलोवर्स थे, जो अनुयायी थे, वो दो भागों में विभाजित किए गए, एक कहलाए स्थावीर और एक कहलाए महासंघिक। स्थावीर और महासंघिक। और दोस्तों क्या फर्क था दोनों में, ध्यान रखेंगे जो लोग गृहस्थ जीवन में रहकर, जो लोग फैमिलीज में रहकर ही बुद्धिज्म को फॉलो किया करते थे वो स्थावीर कहलाया करते थे, लेकिन जो गृह त्याग करके सन्यासी बनकर, भिक्षुक बनकर संघ में रहकर ही बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे वो कहलाया करते थे महासंघिक। तो स्थावीर और महासंघिक में डिवाइड हुए थे बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स या बौद्ध धर्म के अनुयायी। इसके बाद करवाई गई थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल या तृतीय बौद्ध महासंघिति। जिसका आयोजन 251 ईसा पूर्व में करवाया गया, प्लेस वॉज पाटलिपुत्र। इसका आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया गया एंड द रूलर वॉज
अशोका। और हम सब जानते हैं अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, ये मौर्य वंश का सबसे महान राजा था। इसकी अध्यक्षता की गई मोगली पुत्र तिस नाम के बौद्ध भिक्षुक के द्वारा। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये वही मोगली पुत्र तिस है जो अशोक का धर्म परिवर्तन करेंगे। अशोक को बुद्धिस्ट बनाने वाले बौद्ध भिक्षुक ही कौन थे? मोगली पुत्र तिस। और इसमें क्या महत्वपूर्ण काम हुआ? अशोका एडेड थर्ड पिटक इन बुद्धिज्म। अशोक ने बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक जोड़ा जो था अभिधम्म पिटक। और अभिधम्म पिटक की रचना मोगली पुत्र तिस के ही द्वारा की गई थी। और इसमें क्या था ध्यान रखेंगे, इसमें थी बायोग्राफीज ऑफ मोंक्स कंटेम्परेरी टू अशोका। अशोक के समकालीन बौद्ध भिक्षुकों की जीवनियां लिखी थी अभिधम्म पिटक में। इसके बाद लास्ट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल या चौथी बौद्ध महासंगीति, प्लेस वॉज कुंडल वन कश्मीर। इसका आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में करवाया गया। इसका आयोजन फर्स्ट सेंचुरी में हुआ, लगभग 78 ईस्वी में या 81 ईस्वी में। रूलर जिसने इसका आयोजन करवाया ही वॉज कनिष्क। और हम सब जानते हैं कनिष्क वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कुषाण डायनेस्टी। कुषाण वंश का ही सबसे महान राजा माना जाता है कनिष्क को। कनिष्क के ही दरबार में दो बौद्ध भिक्षुक रहा करते थे, एक वसुमित्र जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, और इसमें एक उपाध्यक्ष थे जो दूसरे बौद्ध भिक्षुक थे जिनका नाम था अश्वघोष। और सबसे इंपॉर्टेंट काम चौथी बौद्ध महासंगीति में हुआ, और वो क्या था ध्यान रखेंगे, बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इंटू टू कम्युनिटीज। बौद्ध धर्म दो समुदायों में विभाजित हुआ, एक कहलाए हीनयान बुद्धिस्ट, एक कहलाए हीनयान बौद्ध, और दूसरे कहलाए महायान बुद्धिस्ट या महायान बौद्ध। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, फर्स्ट सेंचुरी में, प्रथम शताब्दी में बौद्ध धर्म दो समुदायों में विभाजित हुआ था, दो कम्युनिटीज में डिवाइड हुआ था। एक हीनयान बुद्धिस्ट कहलाते थे और एक महायान बुद्धिस्ट कहलाते थे। लेकिन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर क्या था दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो हीनयान हुआ करते थे वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं किया करते थे, लेकिन गौतम बुद्ध के मानव रूप में मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। महायान कहने का मतलब महायान डू बिलीव इन स्टैचू वर्शिप, वो मूर्ति पूजा में विश्वास किया करते थे।